तो हमारा तो ईमान है, अकीदा है कि जमाने के इमाम जिंदा है, मौजूद है, और न सिर्फ ये कि मौजूद है बल्कि वो हमारे आमाल पर शाहिद भी हैं, गवाह भी हैं, हमें देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, हमारे अरीजों को पढ़ते हैं, हमें जवाब देते हैं। और फिर एक और जुमला आपकी खिदमत बयान करूं जो चौथे सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का है, और ये आपके हमारे सबके लिए जुमला है। अबू खालिद काबुली से जुमला शाह फरमाया है, और अबू खालिद काबुली वो ऐसे सहाबी हैं कि रवायत का जुमला ये आता है कि मौला हुसैन की शहादत के बाद लोग मुर्तद हो गए थे। जो हकीकी चाहने वाले थे, हकीकी जानेसार थे, वो तो शहीद हो गए, और जो लोग बच गए थे, और महसूस होता है कि अहले बैत रसूल के अलावा की बात की जा रही है, जो लोग बच गए थे उनमें से अक्सरियत मुर्तद हो गई थी। रिवायत का जुमला यह है, इरतद الناس بعد قتل الحسين الا ثلاثه, कि मौला हुसैन की शहादत के बाद लोग मुर्तद हो गए थे सिवाय तीन अफराद के। उन तीन अफराद में सबसे पहले कौन है? अबू खालिद काबुली, और फिर यहया बिन उम्मे तवील, और जुबैर इब्न मुतअम। ये तीन अफराद वो थे कि जो खासुल खास साहबी हैं चौथे सरकार के। चौथे सरकार इशारा फरमा रहे हैं अबू खालिद काबुली से, फरमाते या अबा खालिद, अबू खालिद याद रखो, इन्ना अहला जमाने गैबती ही अलकाइलीन बे इमामत ही वल मुंतजरीन अल ज़ुहूर ही अफ़ज़ल अहल कुल ज़मानिन। फरमाते याद रखो ए अबू खालिद काबुली, वो अफराद के जो आखिरी जमाने में पैदा होंगे और हमारे आखिरी फर्जंद की गैबत में इंतजार कर रहे होंगे और उनकी इमामत पर यकीन रखने वाले होंगे, ये ऐसे शिया होंगे जो बाकी तमाम जमानों के शियों से फजीलत रखते होंगे। तो इंसान अपनी कदर कीमत को महसूस करे कि आज के दौर के अंदर गैबत इमाम जमाना में हम वजूद इमाम जमान पर एतकाद रखे हुए हैं, तो हर जमाने के मोमिन से, हर जमाने के शिया से अफजल है। और ये एक मकाम पर रिवायत नहीं, रिवायत इस तरह की बहुत सारी है। पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शाह फरमाया है, तफसीली रिवायत है, बस मैं एक जुमला अर्ज करूंगा, नौजवान दोस्त अगर उसको सर्च करना चाहे तो देखिएगा। नबी अकरम ने एक मरतबा अपने असहाब के मजमे के अंदर मुखातिब होकर फरमाया, अय्युल खल्क अजब इलैकुम ईमाना, तुम बता सकते हो कि कौन सी ऐसी मखलूक है जिसके ईमान लाने पर तुम्हें ताज्जुब हुआ? तो साहबा अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, हमें फरिश्तों के ईमान लाने पर ताज्जुब है। कहते फरिश्ते उनके ईमान लाने पर ताज्जुब है, उन्होंने जो हुक्म दिया गया है वैसे ही काम करते हैं। किसी को कयाम के लिए खड़ा कर दिया गया वो कयाम में है, जिसको रुकू के लिए खड़ा किया वो रुकू में है, जिसको सजदे के लिए खड़ा किया वो सजदे में है, जिसे जो हुक्म दिया गया है वैसे ही इताअत करते हैं, उसकी मुखालिफत नहीं करते हैं। नबी अकरम का जवाब यह था, ऐ सहाबा, ऐ मेरे जाने सारो, तुम्हें क्या हो गया है? कहा, फरिश्तों के ईमान की तुम बात करते हो? अरे फरिश्ते तो वो थे जिनके ऊपर परवरदिगार की मुस्तकीम वही नाजिल होती थी, अगर वो ईमान न लाएंगे तो तुम और हम ईमान लेकर आएंगे, तो तुम्हें उनके ईमान लाने पर ताज्जुब हो रहा है। फिर अर्ज करने लगे कि क्या अंबिया वो हैं कि जिनके ईमान लाने पर ताज्जुब होना चाहिए? क्या अंबिया की तुम क्या बात करते हो? सही है, अंबिया की जहमतें बहुत हैं, किसी को काटा गया, किसी को कांटों के साथ बिछा दिया गया और वो चलते रहे, किसी को जहमतें दी गई, जनाबे नूह की तरह पत्थर मारे गए, ये सारे काम हुए हैं। लेकिन अंबिया किराम तो वो थे कि जो मुस्तकीम खुदा से गुफ्तगू कर रहे थे, वही इलाही नाजिल हो रही थी, लिहाजा उनके ईमान लाने पर तुम्हें क्या ताज्जुब? अब सुनेंगे उनका जवाब क्या था। कहने लगे फनाहनू, फिर आपको हमारे ईमान लाने पर ताज्जुब होगा कि हम ईमान लेकर आ गए। पैगंबर अकरम ने उनके जवाब में इशारा फरमाया, भाई तुम ईमान न लाओगे तो कौन ईमान लाएगा? तुम तो मुझे देख रहे हो, तुमने तो मेरे अखलाक को देखा है, मेरी नमाजों को देखा है, मेरी जिंदगी को देखा है, अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो कौन ईमान लेकर आएगा? साहब अकरम अर्ज करते, फिर तो हम परेशान हो गए, आप बताइए फिर कौन सी ऐसी मखलूक है जिसको आप ताज्जुब कर रहे हैं कि उनके ईमान लाने पर हमें ताज्जुब है? तो फरमाने लगे, एक कौम ऐसी है जो हमारे बाद पैदा होगी, वो तुम ना होगे, वो तुम्हारी औलाद ना होगी, वो बहुत बाद की कौम होगी, वो हमें ना देखेगी, हमारी आल को ना देखेगी, सिर्फ लिखी हुई इबारतों को देखेगी और हम पर भी ईमान लेकर आएगी, खुदा पर भी ईमान। आज के जमाने में अगर कोई ईमान लेकर आया है और नबी अकरम पर ईमान है, आले रसूल पर ईमान है, जमाने के इमाम पर ईमान है, तो ये सबसे बेहतरीन मोमिन है जो हर जमाने के मोमिन के मुकाबले में बेहतर है। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.